अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक आपको आगे तमाम तर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि तमाम चैप्टर्स में कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है। कभी डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है, कभी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कभी स्केलर प्रोडक्ट, कभी वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसलिए इसकी बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो कंसंट्रेशन से लेंगे, उनको आगे कई चैप्टर्स में कई जगहों पर वेक्टर क्वांटिटीज़ की सॉल्विंग में, कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टॉपिक जो है मेन आज का वो है मेरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यानी मल्टीप्लाई। दो नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम कहते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 × 3 = 6, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 का प्रोडक्ट निकाला है मैंने, ठीक है। अभी बात हो रही है कि हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी किस्म के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के। अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स मेनली, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, और इसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये सब तमाम तो चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन है, जिसको एक्सप्लेन मैं आपके सामने करूंगा। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट के दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर वन, ठीक है, वेक्टर एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो नतीजे में हमारे पास क्या आएगा। सिर्फ इस बात की बिना पर हम प्रोडक्ट और वेक्टर की दो टाइप्स देते हैं। क्या मतलब मेरी इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, वेन एवर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, दो वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, अब देखा ये जाएगा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरा प्रोडक्ट क्या आया। क्या मेरा प्रोडक्ट दोबारा जो नया प्रोडक्ट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आया है या स्केलर क्वांटिटी आया है। यहाँ पर वो स्टूडेंट जिनको अभी तक ये नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी से कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी से कहते हैं, वो फिर से एक दफा सुन लें, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि ये लेक्चर हम प्रीवियसली दे चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ओनली, बट वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़ाई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के टॉपिक के अंदर, कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर के ऊपर एरो हेड का निशान देते हैं। एरो हेड का निशान हमें ये बताता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, डिस्टेंस हमारे पास एस होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एस होता है, लेकिन उसमें फ़र्क हम ऐसे करते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर है। स्केलर जस्ट एक नंबर होता है, जैसे कि मेरा मास, अगर आप पूछें सर आपका मास कितना है, या मैं पूछूं बेटा आपका मास कितना है, आप कहते हैं सर 55 kg मास है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके लिए आपको सिर्फ 50 बताना था और kg बताना था। इसका मतलब है आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट बताना था, आप कभी भी मास की डायरेक्शन नहीं बता दें, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर कहीं भी आपको रिप्रेजेंटेशन में एरो हेड का साइन नहीं नजर आएगा, लिहाजा एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन एरो हेड के बिना नामुकम्मल है। अगर मैं इस पर एरो हेड नहीं लगाऊंगा तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको डिस्टेंस रीड करेंगे, लेकिन अगर मैं इस पर एरो लगा दूंगा तो आप इसे डिस्टेंस रीड नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रीड करेंगे। इसका मतलब बोर्ड पे पूरे इस वक्त आपके पास बोर्ड के ऊपर जहां जहां एरो नजर आ रहा है किसी वेरिएबल के ऊपर, तो आप समझ जाएं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां जहां आपको एरो नहीं नजर आ रहा तो आप समझ जाएं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद। अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं, देख रहे हैं आप एरो हेड का निशान, अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं और नतीजे में जो मेरे पास क्वांटिटी आए वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेक्टर, ठीक है। इस वक्त समझा रहा हूं तो आपको इस तरह बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम कोई एग्जांपल भी लेंगे और एग्जांपल के थ्रू आपको एलाबरेट करूंगा मैं कि कैसे किस किस फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो डॉट करने पर आपके स्केलर प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस करने पर वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अभी जो समझने का अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपका वो ये है कि दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका रिजल्ट दो किस्म के हो सकते हैं, या तो रिजल्ट में जो नई क्वांटिटी आएगी वो स्केलर होगी, या रिजल्ट में जो नई क्वांटिटी आएगी वो फिर वेक्टर होगी।
तो दो किस्म की चीज़ें आपके सामने मैंने मेंशन कर दी हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो बेसिकली आप कहेंगे सर ये भी और ये भी दोनों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स हैं। दो वैक्टर इस तरह भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और दो वैक्टर इस तरह भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्यों आ रहा है, इनको दो अलग टाइप क्यों कहा है कि इस वक्त दो को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पे दो को मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप कह सकते हैं देयर आर टू प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितनी किस्म के, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, आप कहेंगे सर मैं यहाँ से डेफिनेशन बता दूंगा। स्केलर प्रोडक्ट नाम में आंसर है, स्केलर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिनमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में आपके पास अगेन एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, उन तमाम वेक्टर के प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां मैं फिर से एक दफा रिवाइज करूंगा इस डेफिनेशन को। व्हेनेवर टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दूसरे से, एंड द प्रोडक्ट इज, और जो नया आंसर आएगा वो अगर स्केलर क्वांटिटी है, अगर वो नया आने वाला प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो जवाब आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है या जो प्रोडक्ट आ रहा है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है यानी उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, स्केलर तो समझ में आ गया कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आई, लिहाजा इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, डॉट क्यों कहते हैं, डॉट हम अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने अगली लाइन में मेंशन किया है इट इज़, इट का मतलब यह है कि स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन द मल्टीप्लाइड वेक्टर और बिटवीन द टू मल्टीप्लाइड वेक्टर। जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आपको पता है कि उनका आंसर स्केलर आएगा, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, लिहाजा उन दो वेक्टर्स के दरमियान आप रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ ये डॉट प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और डॉट हमेशा ये इंडिकेट करेगा, जो बात समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट बहुत अहम है, किसी भी दो वेक्टर के दरमियान अगर आपको डॉट लगा हुआ नज़र आए, इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है और ये तयशुदा बात है कि जब दो वेक्टर के दरमियान डॉट नज़र आएगा, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा दो वेक्टर के प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये होगा कि उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी आने वाला है। ठीक है, बिकॉज डॉट बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन टू मल्टीप्लाइज वेक्टर इट इज़ रिप्रेजेंटेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज स्केलर प्रोडक्ट और ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट लगाने की वजह से इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो गया, अगर आपको स्केलर क्वांटिटी देंगे तो इसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है स्टूडेंट, अगर मैं ये मिटा दूँ और ये रब कर दूँ, और अब आपसे पूछूँ स्टूडेंट्स दो वैक्टर हैं, एक वैक्टर है ए और एक वैक्टर है बी, बताएं अगर ए को बी के साथ डॉट करूँ तो क्या आएगा, तो आप जो है वो फौरन से बताएंगे सर ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे कोई क्वांटिटी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, ई आएगी, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए। आप कहेंगे सर ए को बी से डॉट करने पर, ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, दोनों को डॉट किया आपने तो एक क्वांटिटी ऐसी आई जो खुद ब खुद स्केलर है, क्योंकि सर मुझे इस डॉट ने बताया कि आने वाला प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर मैं आपके साथ यूं करता कि बेटा ए मल्टीप्लाई बाय बी, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाते, आप कहते सर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या आना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, यानी आप पहचान नहीं पाओगे दो वेक्टर्स को। अगर मैं इनसे शो कर दूं कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप कभी पहचान नहीं पाओगे कि आया ये स्केलर प्रोडक्ट है, आया ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा या इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसका मतलब है कि हमें ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ये पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि दो वेक्टर हमें कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हैं, स्केलर या वेक्टर, उसके लिए हमें हमेशा किसी न किसी रिप्रेजेंटेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रिप्रेजेंटिंग करने के लिए हमारे पास डॉट अवेलेबल है। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट होगा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि जो नया वेक्टर आएगा उसके ऊपर एरो हेड का निशान आप नहीं बनाएंगे।
बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट में आपका जो प्रोडक्ट होता है उसे इसकी ज़रूरत एरो हेड की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह स्टूडेंट जिस तरह मैंने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको डिफाइन किया, सेम एज इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस के साइन से। आइए देखते हैं, जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करो और आंसर में एक नई चीज़ आए और उस वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट में नई क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है, लिहाजा उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं डेफिनेशन फिर से रीड करता हूँ, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, यहाँ पर भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया विद ईच अदर एंड द प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब उनको मल्टीप्लाई किया तो उनका प्रोडक्ट जो आया, जो उनका आंसर आया, जो रिजल्ट आया मल्टीप्लीकेशन के बाद, अगेन वो एक वेक्टर क्वांटिटी आया। सच प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज अगेन द सेम रीजन फॉर एज आई मेंशन अबव फॉर डॉट, क्रॉस इज यूज टू रिप्रेजेंट दैट इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन द टू मल्टीप्लाइड वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में अगर क्रॉस आ जाए तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके मुझे वेक्टर क्वांटिटी देंगे, यानी नया आने वाला जो सी है या डी है, एक्स वाई जेड कुछ भी अल्फाबेट आप लिख सकते हैं, वो मेरे पास एक नया वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा मैंने यहाँ वेक्टर शो किया है। इस तरह स्टूडेंट हमने अभी तो मैंने आपको बहुत जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, लेकिन इसकी डिटेल में मैंने जाना है चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ये सवाल आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हमने फिर से एक दफ़ा कंप्लीट करना होगा विद डेरिवेशंस, और उसके एक फॉर्मूला है जिसे हम ड्राइव करेंगे यहाँ पर क्लास के अंदर। और अभी जो हमने सीखा है वो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, के प्रोडक्ट की कितनी टाइप्स होती हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, और वो टाइप्स दो हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्म होता है जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर मुझे स्केलर क्वांटिटी देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्म होता है जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर मुझे आंसर में अगेन न्यू वेक्टर क्वांटिटी देंगे। अब स्टूडेंट हमने स्केलर प्रोडक्ट को बाकायदा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, और डेफिनेशन मैं आपको इसकी बता चुका हूँ, मैंने फिर से यहाँ शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन मेंशन कर दी है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक स्केलर नंबर मिलता है आपको दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने पर, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट क्या है, आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है, या यू कैन से दैट इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट बिकॉज डॉट इज रिप्रेजेंटेड फॉर रिप्रेजेंटेशन वी यूज डॉट बिटवीन टू मल्टीप्लाइड वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। नाउ हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ कि जब दो वेक्टर डॉट किए जाएंगे, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, चाहे वो ए बी वेक्टर हो, चाहे वो एफ वन एफ टू दो वेक्टर्स हों, वी वन वी टू दो वेक्टर्स हों, जब भी किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट ये होगा, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर है यहाँ पर, वेक्टर का मतलब होता है आई जे के की फॉर्म, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दूँ, ए एक वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट आई जे के वाली फॉर्म, यानी फॉर एग्जाम्पल 2i प्लस 3j प्लस 5k, दिस इज़ अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जिसमें आई जे के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपने कैप लगाना होगा बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर ऑफ x, y, z, एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म होती है जिसके ऊपर एरो लगा होता है, ठीक है, आई जे के की फॉर्म कहलाती है। जबकि मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसी a का मैग्नीट्यूड निकालूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली अमाउंट, ओनली स्केलर नंबर, वो कैसे निकलता है मैं आप पूरा निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स क्या है 2, ए वाई का स्क्वायर विच इज़ अगेन 2, एंड ए जेड का स्क्वायर विच इज़ 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 प्लस 4 8, और यहाँ पे 25 में प्लस आप 8 करेंगे तो आपस 33 आएगा, और अंडर रूट 33 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपने देखा कि मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो उसमें आई जे के की टर्म्स जो है वो यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं की जाते, लेकिन अगर कोई चीज़ वेक्टर फॉर्म में है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में हमेशा आई जे के में आपको वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बताने का मकसद ये था कि आप समझ जो है रिकग्नाइज कर सकें, इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, एक अमाउंट को कहते हैं फिगर, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड जो वेक्टर फॉर्म है ये आपको डायरेक्शन भी जो है वो बताती है। आई जे के आर बेसिकली यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है,
जब भी दो वेक्टर का डॉट करेंगे आप, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा क्या है, तो थीटा वो एंगल है जो दो वेक्टर के दरमियान होगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक मार्कर एंड ब्लू मार्कर दो एंगल हैं, ये दो एंगल्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर के दरमियान एंगल जीरो भी हो सकता है, एंगल 30, 45, 60, 90 और एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंगल में वेरी, बट थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर गोइंग टू बी गिव यू द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दी, डेफिनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई। अब बच्चे का सवाल कि सर ये आई कहाँ से, ये कैसे ए बी कॉस थीटा आया, इसको जरा एक्सप्लेन करें। तो आइए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है वो कि बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको बताएंगे। इनिशियली जो मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, वो बाय डेफिनेशन था। डेफिनेशन की हद तक हम ये कहते हैं कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आए, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैथमेटिकल रीजन में तलाश करना चाहूँ, तो ये आपके सामने लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ, या इसको पढ़ते जाइएगा, मैं ये जो पूरी एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ वो इस एक्सप्रेशन को शो करेगी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। मैं शो नहीं कर रहा, लेकिन आपस में आपको दिख रहा है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन है भाई ए डॉट बी में? ए फर्स्ट वेक्टर है, तो ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अभी आपको बताया इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द क्या, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे बात समझनी है आपने स्टूडेंट, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। नहीं, अगर सेकंड वेक्टर कहता तो मैं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख देता। मैंने यहां पे लिखा है मैग्नीट्यूड बी ए, सबस्क्रिप्ट में बी ए नजर आ रहा होगा आपको। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। यानी बी सेकेंड वेक्टर था, मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं बी की प्रोजेक्शन बताओ, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कहां पे प्रोजेक्शन, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ, किस पर, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये तमाम दर चीज़ें मैं स्टूडेंट आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर का मतलब क्या है, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मतलब क्या है। अगर आपको फिगर के थ्रू ये समझ में आ जाएगा, तो हम इसको फिर से रीड करेंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए चलते, हमने कंसिडर किया इसको, मैंने इक्वेशन वन कह दिया, इसको इक्वेशन टू कह दिया, मुझे ये फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव करना है कि कैसे आया, इसके जो लफ्जी मतलब है उस डेफिनेशन से मैं इस फॉर्मूले को जनरेट करूंगा। देखें आप, मैंने कंसिडर किया दो वेक्टर्स को ए एंड बी, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मेकिंग एंगल थीटा, और दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, जो कि आपके सामने फिगर मौजूद है। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, और मैग्नीट्यूड सॉरी थीटा एंगल जो है बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, और जो कि आपको फिगर में गिवन है। अब जो जो मैं कहता जाऊंगा वो हम यहाँ करते जाएंगे। मैंने कहा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लाई करना है किसको, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इन दोनों में फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए ये रहा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप कहेंगे सर ए के मैग्नीट्यूड का मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी यहां से यहां तक ए का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर तो ए ये पूरा है, मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये रहा। तो उसने कहा जब भी किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब भी दो किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, विद मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन। आइए प्रोजेक्शन पे काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। सेकेंड वेक्टर कौन है, बी, तो बी की प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि वो कितना ए पे टिल्टेड है, ठीक है। हम इसे शैडो भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर का, यानी सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर है,
सेकेंड वेक्टर का कितना प्रोजेक्शन, कितना शेडो जो है आपका ए वेक्टर पे जो है उसकी डायरेक्शन में आ रहा है, आइए निकालते हैं। प्रोजेक्शन कहें ज़्यादा अच्छी वर्डिंग प्रोजेक्शन है अगर आप उसे याद रखें तो। देखिए स्टूडेंट, इसको निकालने का तरीका यह है कि आप जो सेकेंड वेक्टर है, चाहे आपका वो बी वेक्टर हो, सी वेक्टर हो, वी वेक्टर हो, F1, F2 हो, F1, F2 हुआ तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं यूँ भी बताता हूँ आपको, देखें अगर मैं कहता हूँ मेरे दो वेक्टर हैं F1 डॉट F2, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं, आपको मैंने जनरलाइज रूल पढ़ा दिया है कि जब दो वेक्टर डॉट होंगे तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन पहले वेक्टर पर F2 सबस्क्रिप्ट में F1। ठीक है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा लेकिन बिल्कुल ऐसे लिखा है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन आइए निकालते हैं। जब भी आपको दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी हो तो आप दूसरे वेक्टर की के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और आपकी प्रोजेक्शन आ जाएगी। देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बोर्ड पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको ये पता चल गया कि सर बी वेक्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन बी की जो प्रोजेक्शन है, बहुत गौर से सुनेंगे स्टूडेंट, बी की जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर वो तो इतनी सी है, ब्लैक कलर का एरो दिख रहा हो आपको, बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो इसको मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक क्या है ये स्टूडेंट, ये जो लेंथ है वो है बी की प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की प्रोजेक्शन, देखो प्रोजेक्शन है बी की लेकिन किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, इट मींस प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इट मींस ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन में, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि बी की प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन में, और यही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी थी जो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया मैंने, यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 ही दे देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं डायरेक्शन ड्राइव करके दिखा सकूँ। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अब जब भी आप कभी कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है तो आप हमेशा इस बात को रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है, वैसे डेफिनेशन तो ये भी आपको बताई थी मैंने लेकिन एक्सप्लेनेशन में अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि उसे पता है कि स्टूडेंट ये जानता है कि एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। अब आइए इसको मैं ड्राइव भी कर दूंगा आपके सामने, अगर आप गौर से देखें तो एक ट्राइंगल आपके सामने बन रहा होगा, मैं उसको नाम देता हूँ ओ, यहाँ बी वेक्टर है लेकिन मैं नाम दूंगा ओ पी क्यू का, ठीक है। और अब मैं इस ओ पी क्यू ट्राइंगल को आपके सामने यहाँ बनाऊंगा फिर डेरिवेशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ओ पी क्यू ट्राइंगल मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें तो ये था ओ, ये था पी और ये था क्यू। अब अगर मैं पूछूँ 90 के एंगल का है तो आप कहेंगे सर 90 तो यहाँ बनना था क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, यहाँ थीटा था, ठीक है। और अब नाम्स को साइड्स को नेम दे दें, जो ये वेक्टर था आपका ये बी वेक्टर था, लिहाजा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ को कहते हैं मैग्नीट्यूड, लिहाजा इसकी लेंथ हो जाएगी बी का मैग्नीट्यूड और नीचे जो बेस है वो हो जाएगी बी के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। जबकि हमें ये साइड नहीं पता, इस साइड को हमें इस पे काम नहीं करना। अब आइए देखते हैं हम रिलेशन कौन सा यूज़ करने लगे हैं, हम यूज़ करेंगे कॉस का रिलेशन, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटनियस, कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटनियस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट इस ट्राइंगल में बेस क्या है, तो बेस वो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की जिस पे थीटा लाई करता है, तो किस पे थीटा लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटनियस, हाइपोटनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है, 90 यहाँ पर है और 90 के अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, लिहाजा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पुट करूँगा। अब आप देख सकते हैं क्लियरली हाइपोटनियस विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए का आंसर आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा,
ये स्टूडेंट मैंने कैसे निकाला, मैंने अपनी फिगर से निकाला जो कि मैंने खुद कंस्ट्रक्ट की और खुद अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर बनाई। वो क्या है, वो ये कहती है मुझे कि जो बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर है, बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है और मैं इसको इक्वेशन वन में टू में अगर पुट करूँ, तो देखें पुट इन टू जैसे ही स्टूडेंट में सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आप देखें क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड तो पहले से था ये रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए की जगह मैं इसकी वैल्यू अगर पुट करूँ तो ये आएगा बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने वो चीज़ आपके सामने ड्राइव की जो मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो जिसको हम डॉट प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जिसको मैंने पूरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ड्राइव भी किया है। ठीक है, अब समझ में ये आएगी कि सर कॉस थीटा आपने यूज़ किया, कोई ख़ास वजह इसकी? तो ये देखें स्टूडेंट, प्रोजेक्शन मैंने इसलिए आपको समझा दिया ताकि आप ये बात समझ जाएं। अगर मैं बी को बहुत गौर से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर बी का एंगल इस वक्त थीटा है, जितना मैं बी के थीटा को कम करता जाऊँगा उतनी प्रोजेक्शन बढ़ती जाएगी। अभी देखिए प्रोजेक्शन ये रही, जब मैं बी को लिटाऊंगा तो प्रोजेक्शन बढ़ती जाएगी और ये वक्त आएगा प्रोजेक्शन पूरी ए के बराबर हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बी की प्रोजेक्शन होगी उतना ए डॉट बी का अमाउंट ज़्यादा आएगा। लेकिन बिलफर्ज अज्यूम करें कि ये वेक्टर मेरे पास, यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, अगर यानी थीटा उनके दरमियान ये बन जाए 90। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं बेटा ए डॉट बी क्या है, तो आप कहेंगे सर ए का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक, बी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक, ए का मैग्नीट्यूड भी हो गया बी का मैग्नीट्यूड भी हो गया, कॉस थीटा, थीटा में आप बोलेंगे दोनों के बीच में एंगल क्या है। जैसे ही स्टूडेंट आप कॉस में 90 रखेंगे तो कॉस 90 होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब आप पूछेंगे सर इसकी वजह क्या है, दो वेक्टर के दरमियान एंगल है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल अज्यूम करें 5 न्यूटन है, इसका 10 न्यूटन है, तो आप कहें सर इसका 5 न्यूटन इसका 10 न्यूटन एंगल भी बीच में मौजूद है तो डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं आएगा? फिर आपको कॉन्सेप्ट ये वाला काम आएगा जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, और आप अगर समझदार स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता चलेगा कि 90 यहाँ पुट करेंगे तो मैथमेटिकली तो 0 हो गया, मैथमेटिकली समझ में आ गया, भले ये 10 है भले ये 15 है या 5 है, अगर कॉस थीटा के थीटा में मैं 90 पुट करता हूँ तो कैलकुलेटर में सॉल्व करें स्टूडेंट, कॉस 90 0 होता है और ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मैं बात करूँगा फिजिकल कॉन्सेप्ट की। फिजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने सीखा था ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है रख दिया, फिर किसका मैग्नीट्यूड है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, अगर दोनों में एंगल 90 है तो मैं इसको अगर प्रोजेक्ट करूं, प्रोजेक्शन में क्या करते थे हम परपेंडिकुलर गिराते थे ताकि कितना प्रोजेक्शन आया है ए के ऊपर, कितना शेडो आया है ए के ऊपर, अगर ए और बी 90 हैं तो मैं कैसे शेडो बनाऊंगा, ये खुद परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड अगर 100 न्यूटन भी हो जाए, इफ देर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वैक्टर, इफ देर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वैक्टर, देन इट विल बी 0 एंड द होल ए डॉट बी विल बी 0। ठीक है, तो ये फिजिकल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के, जब भी दो वैक्टर्स के दरमियान 90 का एंगल होगा, दो वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर कभी भी नहीं आएगी। हाँ, जैसे जैसे वैक्टर टिल्ट होता जाएगा तो प्रोजेक्शन आना शुरू हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन कब होगी, जब दोनों वैक्टर्स में 0 एंगल होगा, और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे कॉस 0 1 के बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू आती है आपके डॉट प्रोडक्ट की। और यहाँ पे स्टूडेंट हमने सीख लिया कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, और डेरिवेशन भी हमने यहाँ कम्प्लीट कर चुके हैं हम डॉट प्रोडक्ट की। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। मुझे इजाज़त दें स्टूडेंट्स क्लास में, अल्लाह हाफिज़।